हरियाणा भाजपा में असली महाभारत टिकट बंटवारे पर शुरू हुआ। हरियाणा की कमान 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर के हाथ में रही। वही भाजपा में 35 बनाम 1 का दाव खेलते हुए लोकसभा चुनाव से पहले नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाया गया। बीते एक महीने की घटनाक्रम पर बात करें तो भाजपा में खुलकर बगावत देखने को मिली है। नमस्कार, मैं काजोल नारायण और आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जोरों पर है। जहां भाजपा ने जीत की हैट्रिक का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को खत्म करने पर जोर दे रही है। बीते एक महीने की घटनाक्रम पर बात करें तो भाजपा में खुलकर बगावत देखने को मिली है। वहीं कांग्रेस में भी ओहापोह की भी स्थिति बनी हुई है। पहले हम भाजपा की बात कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा में भाजपा एक दशक से सत्ता में है। हरियाणा की कमान 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर के हाथ में रही। वहीं भाजपा में 35 बनाम 1 का दाव खेलते हुए लोकसभा चुनाव से पहले नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाया गया। हरियाणा के सीएम के नाम के जैसे ही सैनी का नाम आया, वैसे ही भाजपा में अंतर्कलह की स्थिति पैदा हो गई। हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज की नाराजगी खुले मन से सामने आई है। हरियाणा भाजपा में असली महाभारत टिकट बंटवारे पर शुरू हुआ। पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को साइड कर दिया। वहीं इनेलो, जेजेपी और कांग्रेस आए हुए लोगों को टिकट थमा दिया। पार्टी में इतनी कलह बढ़ी कि भाजपा के कई दिग्गजों समेत पार्टी के दर्जनों नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए या वो निर्दलीय ही मैदान में उतर आए हैं। सभी बगावत और टूट को भाजपा के हाईकमान ने इनकार करते हुए इस विधानसभा चुनाव में दावा किया है कि भाजपा इस बार हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली है। वही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव परिणामों ने कांग्रेस की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा के हिसाब से 44 सीट पर भाजपा और 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी। अब ऐसे में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त से ज्यादा उम्मीद विधानसभा चुनाव में है। कांग्रेस में भी आए दिन गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती है। कई बार तो कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर हुड्डा और शैलजा गुट में भी तनातनी की खबरें सामने आई है। ये किसी से छिपी नहीं है। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नया नारा दिया कि अब की बार जमुना पार। इन्हीं सब दावों और वादों की पड़ताल करने हरियाणा में सियासी सरगर्मियों के समीकरण को समझने के लिए हमारे सहयोगी रोहतक पहुंचते हैं और वहां ग्रामीणों और युवाओं से बातचीत करते हैं। आइए सुनते हैं किस तरह का हाल जमीनी स्तर पर इन चुनावों को लेकर नजर आ रहा है। 8 तारीख आगे ना, 8 तारीख, 8 के बाद तुम्हारे को देखना कैसे चूड़ी मरोड़ता हूँ तुम्हारी। अरे कर्मचारियों की भी चूड़ी, वो तो सरकारी जो कर्मचारी काम नहीं करते उनको बोला है ना। तो किस किस की चूड़ी? या पहले सरपंच काम नहीं करते थे? हाँ, सरपंच काम नहीं करते थे। किसान अपना हक मांग रहे थे, वो क्या कर रहे थे? हाँ, वो 700 सिद्धान शहीद हो गए, वो क्या कर रहे थे भाई? ये परसों एक प्रधानमंत्री की रैली थी कुरुक्षेत्र में, थी ना? हाँ, वो रैली हुई ना? हाँ, बढ़िया हुई। हाँ, और किसान अपनी एक सभा करना चाहते थे। हाँ, वहाँ पुलिस लगा के और किसानों के टेंट पड़वा दिए। इस बार क्या माहौल आपके गांव में चल रहा है? मोल मारा मान लिया, बढ़िया हिसाब किताब है। हाँ, शकुंतला खट्टर अच्छी किस्मत लिखा गा रही है, चौथी बार कति गारंटी तो बनेगी। अच्छा? हाँ, गारंटी तो बनेगी। तो सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार तो कांग्रेस की आनी है, कति पक्का 100%। वही सरकार को लेकर हरियाणा के लोगों के अंदर साफ नाराजगी देखी जा सकती है। लोगों का मानना है कि बीते 10 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आम जनता को परेशान किया और लोगों को मारा है। देखिए, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो भाजपा ये कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है, लेकिन जब हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वहां पर हकीकत कुछ और ही नजर आई है। भाई मोदी इलेक्शन थोड़ी प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं है, ये मुख्यमंत्री बनाने का इलेक्शन है, ठीक है। युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, युवा परिणीय युवाओं से पूछ लेना, यहाँ हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन बना दिया यहाँ की सरकार ने, बीजेपी ने, ठीक है। महिलाओं के असुरक्षा के मामले में महिला यहाँ अपमानित हैं, ठीक है। महिलाओं की ये दशा है, युवाओं की ये दशा है, बेरोजगार युवाओं की, किसानों की, किसानों का बुरा हाल है यहाँ, ठीक है। किसान वहाँ बॉर्डर पर गए थे, वहाँ लंबी लंबी किले ठोक दी थी, किसान वहाँ जान नहीं दिए, उनका अपमान कराया।
गया, ठीक है। यहाँ सरपंचों का अपमान करा गया हरियाणा के अंदर। कुछ खिलाड़ी की उस तला ले, कुछ तू मान ले, तू भाई यो बाईपास है जुलाना का, मैं नहीं हो। अगर तू इसमें गाड़ी लेगा एक बार पार करके दिखा दे इसको, तू अपने आप बता देगा। स्टेडियम दिखा दे जुलाना में, आज का दिन मतलब 20,000 प्लस वोट है जुलाना में और गाँव हो गए। स्टेडियम दिखा दे जुलाना में एक बार, कोई सरकार का सुनता हो ना, एक बार स्टेडियम दिखा दो जुलाना में, यो रोड दिखा दो, मेडिकल में चला जाए इतना पानी है, मंडी में चला जा सीवर नहीं है, जुलाना में सीवर नहीं है, तू यह गली देख एक बार, ये देख ले, रोड दिखा दे, बस स्टैंड में देख ले। बीते एक दशक में जो हुआ हरियाणा में वो किसी से छिपा नहीं है। हरियाणा की जनता को भाजपा से कोई शिकायत नहीं, लेकिन खट्टर और सैनी को बख्शने के मूड में तो है नहीं। ग्रामीणों से जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि योगी ने यूपी में बढ़िया काम किया है, उनका असर यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। योगी ने तो बढ़िया काम कर रखा, जो बढ़िया काम करनी है वो फिर इस मुद्दे ने बीजेपी वाले ने अच्छा तो ना लगता। अच्छा, हाँ अच्छा को ना लगता, योगी एक नंबर का है। अच्छा, योगी जी एक नंबर का, एक नंबर का है। कती यूपी में मान लिया उसने बहुत बढ़िया काम कर रखे, योगी जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ ना, कुछ नहीं पड़ेगा। योगी का बेचारा, योगी अपना यूपी में गिरेगा और हरियाणा में गिरेगा। वही हमारा सहयोगी चैनल जुलाना सीट पर भी पहुंचा, वहां भी दौरा किया, जहां से विनेश फोगाट इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। जब हमारे सहयोगी ने वहां के लोगों से बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि चुनाव एक तरफा है, भाजपा ने हरियाणा को बेरोजगारी में एक नंबर बना दिया, इसकी वजह से भाजपा के हम खिलाफ है। बीच है, बीचों बीच है, ये पूरे जो पूरे हरियाणा का बीच का सेंटर है और यहीं से राजनीति चलती है, ठीक है। यहाँ से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है, बीजेपी ने यहाँ से एक कैंडिडेट कैप्टन योगेश को उतारा है, ठीक है। उस कैंडिडेट का तो देखो यहाँ पता नहीं हमने, ना हम जानते उस कैंडिडेट को, वो पलवल से बता रहे हैं भाई, पलवल से है वो, सफ़ेद और आगरे वहाँ का कैंडिडेट है। और माहौल देखो, माहौल यहाँ जुलाना का तो एक तरफ से पूरा का पूरा एक तरह से कांग्रेस की तरफ माहौल हो रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।